नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। बड़ी खबर आ रही है झांसी के मऊरानीपुर से, मऊरानीपुर क्षेत्र से, जहां पर एक विद्यालय के शिक्षक के खिलाफ एक रैली निकाली गई। रैली में भी कोई बड़े लोग शामिल नहीं थे, बल्कि स्कूली छात्र छात्राएं शामिल थी। नारे लगाए जा रहे थे, शिक्षक का नाम लिखकर उसे शराबी कहा जा रहा था। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि परिहार फोन लाइन पर जुड़े हुए। रवि, क्या है पूरे मामला, कहां के शिक्षक है जिनके विरोध में प्रदर्शन किया गया और रैली निकाली गई? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम भंडरा का मामला है, जहां पर एक विद्यालय है स्वामी विवेकानंद देवानंद, वहां पर आज स्कूली कुछ शिक्षकों द्वारा और स्कूली बच्चों का सहारा लेकर एक जुलूस निकाला गया और उनके हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षक, एक शिक्षक है राकेश श्रीवास, उसके खिलाफ व्यक्तिगत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, बच्चों का सहारा लेकर, और उस पर शराबी शिक्षक होने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद उसका पीड़ित परिवार मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचा और उसने मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और उसका यह भी आरोप है कि इस जुलूस की निकलने के बाद उसका पति आहत है और वो कहीं लापता हो गया है, उसका सुबह से ही कहीं कोई पता नहीं चल रहा है और परिवार के लोगों ने कोई जनहानि होने की आशंका जताई है। और परिवार के लोगों ने यह भी बताया है कि इस शिक्षा विद्यालय में दो कमेटी हैं, एक कमेटी द्वारा उसके पति को रखा गया था और एक कमेटी उसके पति को बराबर निकालने का प्रयास कर रही है। उनका कहना यह भी है कि ये जो विद्यालय, ये काफी साल पुराना है, अब ये सरकार की जद में आने वाला है तो जो विद्यालय की कमेटी है वो इसमें पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेलना चाहती है, जिस वजह से अब वो अपने मनमाने जो पुराने टीचर हैं उनको निकाल कर अपने मनमाने तरीके से शिक्षकों की भर्ती करना चाहती है। इसलिए जिन शिक्षकों से उनकी संबंध नहीं बैठ पा रहे हैं या उनकी सांठगांठ नहीं बैठ पा रही है, उन शिक्षकों को निकालने के लिए बच्चों का सहारा लेकर इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी बात सामने आई है, जहां बच्चों का सहारा लेकर, मतलब मासूम बच्चों को मोहरा बनाकर एक शिक्षक को बदनाम करने की यहाँ पर साजिश दिखाई दी है। ठीक है, फिलहाल रवि, हो सकता है साजिश हो या फिर हो सकता है कि कोई एक शिक्षक शराब पीता हो, तो ये कोई कानूनन अपराध नहीं है शराब पीना। हाँ, अगर ड्यूटी के समय पर या अपने कार्य स्थल पर कोई इस तरह की अगर घटना करता है तो ये अपराध माना जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी संवैधानिक तरीका यही होता है कि आरोपी, अगर कोई जो भी आरोपी है, शिक्षक अगर आरोपी है, उसकी शिकायत शिक्षा विभाग में की जाए, पुलिस से की जाए, ठीक है, या कोई तथ्य सामने रखे जाए जिस पर आरोपी पर कार्रवाई हो सके। जी, मैं आपको लेकिन बता दूं कि जो पीड़ित जो महिला है उसका आरोप ये है कि उसका पति, उसने जो बताया है कि उसका पति विगत 10-12 साल से उस विद्यालय में कार्यरत है, शिक्षक है, और 10-12 साल से वो लगातार उस विद्यालय में पढ़ा रहा है। अभी कुछ महीने पहले उसके पति को विद्यालय की दो कमेटी होने की वजह से, उन कमेटी के लोगों में आपसी तालमेल ना बैठने की वजह से उसके पति को हटा दिया गया था, लेकिन 15 अगस्त के दिन उसके पति को फिर से विद्यालय में वापस बुला लिया गया है। तो एक कमेटी उसके पति को विद्यालय में रखना चाहती है और दूसरी कमेटी उसके पति का विरोध कर रही है। तो ये दूसरी कमेटी के लोगों द्वारा ये बच्चों का सहारा लेकर जुलूस निकाला गया, ये इसकी महिला का आरोप है। वहीं आपको मैं बता दूं कि ये एक प्राइवेट विद्यालय है और इस प्राइवेट विद्यालय में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बच्चों का सहारा लेना, ये कुल मिलाकर यहाँ पर गलत पाया जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ तमाम तरीके हैं, उसको नौकरी से निकालने के, उसको नौकरी से हटाने के या उसको वेतन काटने के, लेकिन किस तरीके से किसी व्यक्ति की सामाजिक छवि को धूमिल करना बच्चों के मामले से, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत साबित है। बिल्कुल, ये साक्ष्य भी है कि बच्चों द्वारा रैली निकाली गई, नारे लगाए गए और कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में, गांव में एक व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। तो रवि, जब ये महिला ने थाने में ये शिकायती पत्र दिया है तो पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है या आगे कोई कार्रवाई की जा रही है? नहीं, फिलहाल इस मऊरानीपुर जो थाना प्रभारी है उनके द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उनका कहना है कि जो भी मामले में तथ्य निकलकर सामने आते हैं उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। आइए सुन लेते हैं महिला का क्या कहना है।
कि मेरे पति एक शिक्षक थे, वो बहुत कई सालों से पढ़ा रहे थे, कुछ कारण बस मेरे पति को विद्यालय में शिक्षक स्वामी देवानंद हाई स्कूल इंटर कॉलेज भड़रा जी प्राइवेट स्कूल है वो, को मेरे पति बहुत सालों से पढ़ा रहे थे, कुछ कारण बस मेरे पति को विद्यालय से निकाल दिया गया था, लेकिन समिति के अनुसार 15 अगस्त को मेरे पति को विद्यालय पुनः बुलाया गया और समिति में कुछ बहस तालमेल ना होने के कारण मेरे पति के छात्रों को के सहारा लेकर मेरे पति की गांव में रैली निकाली गई एक प्रकार की, जिससे वो बहुत ऐसी रैली निकाली।